students how are you all i hope you all are fine today i will teach you standard third maths chapter 8 who is heavier part 1 When sabse zyada heavy kya hai. page number 113 it is given about sabnam sabnam loved to eat jaggery and groundnuts एक दिन वो एक केजी जगरी और नट खरीदने गई थी यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटर्न एज के जी आपको पता ही है कि किलोग्राम को हम के जी में लिखते हैं नाउ ग्राउंड नट्स एंड गुड सबनम से जगरी ग्राउंड सेट्स है यहाँ पे सबनम क्वेश्चन पूछ रही है आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन दगरी और गुड इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर मतलब क्या ग्राउंड नट सच में जग से वेट में ज्यादा है और सिर्फ वो दिखने में हमें ज्यादा लगता है तो आंसर इज नो दे जस्ट लुक मोर नहीं वो सिर्फ दिखने में ज्यादा है क्यों क्योंकि जो गुड़ होता है वो वजन में भारी होता।, होता है लेकिन जो ग्राउंडनट्स होते हैं वो वजन में हल्के होते हैं मीन्स उनका वेट गुड़ से कम होता है इसका मतलब ये है कि गुड़ है वो ग्राउंडन से हैवी है लेट सी नेक्स्ट एक्टिविटी नाउ गैस फॉर विच ऑफ दिस यू नीड अ बिगर बैग मतलब आपको अभी गैस करना है कि ये जो नीचे चीजें दी हुई है उसमें से किसके लिए बड़ा बैग चाहिए नंबर पॉपकॉर्न और वन के जी सुगर सो यू कैन सी हियर वन के जी पॉपकॉर्न Or 1 kg. Now let's guess for which of these we need a bigger bag. So for popcorn we need a bigger bag. Why? Because popcorn is not heavy in weight but it is need more space. That's why. It need a bigger bag. Number two, one kg piece or one kg potato. Now guess for which of these we need a bigger bag. I think one kg potatoes need a bigger bag because the potato is coming in a heavy weight or its size also big than peas go to the market and check if your guess is right means aap apne parents ke sath ya to mamma ke sath market jana aur dekhna ki aap ne और या तो मैंने जो गैस किया है आंसर वो सही है या नहीं लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक

उनको सीसो के ऊपर खेलना पसंद है on पंपकिन आया और सीसो के एक साइड बैठ गया When he ही डज नॉट गेट for अ लॉन्ग टाइम द टोमेटोस डिसाइड टू सीट ऑन द अदर साइड एंड लिफ्ट द पम्पकिन अप सो दैट ही फॉल्स ऑफ मतलब पंपकिन वहाँ से ज़्यादा देर तक उठा उठा नहीं तो टोमेटोज ने डिसाइड किया कि हम उसकी दूसरी साइड पर बैठ जाते हैं और लिफ्टअप करके उन लोगों ने पंपकिन को गिराने की कोशिश की लेकिन पंपकिन का वजन ज़्यादा था तो वाला जो पार्ट है वो नीचे हो गया और टोमेटोज़ वाला पार्ट है वो ऊपर हो गया उसकी वजह से नीचे गिर गए। टोमेटो स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द अदर साइड वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट ट्वेंटी फाइव हु पम्पकिन इज स्टिल सिटिंग एंड लाफिंग छोटे छोटे टोमेटो ने दूसरी साइड थी सीसोर के उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके ट्वेंटी फाइव तक पंपकिन अभी भी वहां पे बैठा है और उन लोगों को देख के वो हंस रहा है बिग टोमेटोज तो ने उनकी हेल्प करना डिसाइड किया द लिटल वन गेट डाउन जो छोटे थे वो नीचे आ गए एंड मेक वे फॉर द फैट वन वन टू थ्री फोर ट्वेंटी और ऐसे ही जो फैट टोमेटो वो वन टू तो थ्री फोर ऐसे ट्वेंटी तक उसके ऊपर चढ़ते गए ये इज अप इन द एयर सभी दम्पकिटोज खूसो चिल्ला रहे ये मजाक गया पम्पकिन है वो अभी एयर में है मीन्स अप इन द एयर इट्स आउट्स ब्रिंग मी डाउन ब्रिंग मी डाउन प्लीज प्लीज पम्पकिन चिल्ला रहा है मुझे नीचे उतारो मुझे नीचे उतारो प्लीज यहाँ पे टोमेटोस खुश हो रहे हैं कि हुर्रे पंपकिन को हमने हरा दिया मतलब इस एक्टिविटी और इस स्टोरी में से हमें पता चल रहा है कि एक बड़ा पंपकिन छोटे से जिस टोमेटो को शीसो पे बैठ के शीशो का पार्ट ऊपर कर सकता है लेकिन जब पम्पकिन के सामने बड़े टोमेटोस आ जाते हैं तो पम्पकिन खुद ऊपर आ जाता मतलब पम्पकिन का शीशो वाला जो पार्ट है वो ऊपर आ जाता है यहाँ मतलब पे ऐसा दिखाया गया है कि एक अकेले पम्पकिन के सामने बहुत सारे टोमेटोज आ जाता है तो पम्पकिन हार जाता है मेंस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ एकता में बहुत ताकत होती है अगर हम एकजुट होके रहेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है एंड आस्क समथिंग टू अस हाउ मैनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन आप मतलब आपके थिंकिंग ऑफ व्यू से आप बताइए कि कितने छोटे टोमेटोज मिलके के पंपकिन को ऊपर उठा सकते हैं टेन ट्वेंटी या फोर्टी तो आंसर आएगा फोर्टी क्योंकि हमने देखा वो स्टोरी में कि ट्वेंटी फाइव टोमेटोज थे तो भी वो पंपकिन को नहीं ऊपर कर पाए तो हमें उससे भी ज़्यादा टोमेटोस चाहिए तो मेरे हिसाब से फोर्टी है पंपकिन को ऊपर करने के लिए नेक्स्ट है हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंपकिन कितने बिग मैंगोज पंपकिन और मैंगो को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं माई थिंकिंग ऑफ यू फिफ्टीन बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंपकिन नेक्स्ट Now, guess how many pumpkins can balance you on the seesaw? So, from my point of view, four big pumpkins can balance you on the seesaw. I hope you all understood this part one very well. Thank you.